क्या योगी का ब्रांड पार्टी से बड़ा है? बिहार में पार्टी ने जिसे अध्यक्ष बनाया, अब वो भी बन गए योगी। नीतीश के शहर लगाया पोस्टर, फिर दी चुनौती, कहा सिंहासन खाली करो, बिहार का योगी आ गया। अब तक आरजेडी जिसे बता रही थी छात्र नेता, अब लगता है कि वो छीनने वाला है तेजस्वी के ताज का सपना। कहते हैं कि पार्टी में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी छवि पार्टी की छवि होती है। आज मोदी मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब मोदी है, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बीजेपी मतलब योगी और योगी मतलब बीजेपी है। लेकिन सवाल ये है, क्या योगी का ब्रांड पार्टी से बड़ा हो गया है? बिहार से इस पोस्टर को देखेंगे तो आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ सकता है। ये पोस्टर बिहार की राजधानी पटना में लगा है, जहां नीतीश रहते हैं, जिसमें लिखा है एक आड़े मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास खाली करो, बिहार का योगी आ गया है। पोस्टर में सम्राट चौधरी की बड़ी सी फोटो लगी है, उनके नीचे पोस्टर छपवाने वाले लव कुमार सिंह रुद्र की फोटो है, जबकि फोटो के कोने पर मोदी शाह नड्डा समेत सात नेताओं की फोटो लगी है। बीच पोस्टर में नीतीश का कार्टून बना है, पर ये बात हैरान करती है कि बिहार के योगी वाले पोस्टर में योगी की फोटो ही नहीं है। यहाँ सवाल फोटो का नहीं है, बल्कि सवाल ये है, क्या बीजेपी बिहार में मोदी के विकास मॉडल की बजाय योगी के बुलडोजर मॉडल से सत्ता में आना चाहती है? सम्राट चौधरी को इसी महीने बीजेपी ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष बनते ही वो आक्रामक हैं। ये पोस्टर बीजेपी ने लगवाया या फिर एक पार्टी कार्यकर्ता का विचार है, वो बिहार की जनता को तय करना है। फिलहाल आपको ये समझना होगा कि जिन सम्राट चौधरी को बिहार का योगी बताया जा रहा है, असल में वो बिहार में कितने प्रभावी होंगे। बीजेपी हाईकमान ने जब संजय जायसवाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इनका नाम फाइनल किया, तभी ये तय कर लिया गया था कि इस बार बीजेपी बिहार की कमान किसी युवा और आक्रामक नेता को दी जाएगी, जिसके पास अच्छा खासा वोट बैंक हो। इसीलिए बड़े बड़े नेताओं की रेस में सम्राट चौधरी आगे निकल गए। पहली वजह तो ये है कि सम्राट चौधरी कोरी जात से आते हैं, यानी ओबीसी वोटर्स में इनकी पकड़ जबरदस्त है। बिहार में लॉकुश कॉम्बिनेशन यानी कुर्मी कोरी के जरिए बीजेपी सत्ता हासिल करने की जुगत में है। जबकि दूसरी वजह ये रही कि 53 साल के सम्राट चौधरी युवा नेता और आक्रामक हैं। हालांकि आरजेडी इन्हें ये कहकर टाल रही है कि बीजेपी के पास नेता नहीं है, इसीलिए आरजेडी के छात्र नेता रह चुके सम्राट को उन्होंने बीजेपी में जाने के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी दी। पर सवाल ये है कि क्या ये तेजस्वी के सिर पर सजने वाला भविष्य का ताज छीनने में सफल होंगे? सम्राट चौधरी के लिए योगी बनना भी एक कठिन डगर है। योगी ने अपनी पहचान शुरू से हिंदुत्व और माफियाओं के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर बनाई। जब मुख्यमंत्री बने तब माफियाओं पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया, जिससे देश भर में योगी की सख्त नेता की छवि बनी। चूंकि बिहार में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, औरंगाबाद से लेकर जहानाबाद, जमुई और मुंगेर जैसे इलाके में नक्सलियों का वर्चस्व है, जबकि उत्तर बिहार जो बाढ़ से त्रस्त है वहाँ संगठित अपराध का बोलबाला लंबे समय से है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की जनता को बुलडोजर मॉडल काफी तेजी से पसंद आएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये मानकर चलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव तक में योगी की ताबड़तोड़ रैलियां आपको देखने को मिल सकती हैं। और मोदी का विकास मॉडल तो होगा, लेकिन बड़े बड़े नेता उदाहरण यूपी का ही देंगे, क्योंकि कहते हैं पड़ोस में शांति हो, रोजगार हो और माफिया कांप रहे हो तो बगल का प्रदेश भी यही चाहेगा। बाकी बिहार का वोटर्स विकास से ज्यादा जाति को तवज्जो देता है, जिसका ट्रेंड शायद बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।